मंडी पुलिस द्वारा चर्च के मामले में अन्य तीन युवकों के साथ पकड़े गए बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के नाबालिग बेटे के प्रकरण में अपना पक्ष रखते हुए आरोप लगाया है कि उनके बेटे को फंसाने में भाजपा और कांग्रेस के दोनों नेताओं की साजिश है। बच्चों की गाड़ी में चर्च रखकर उनके राजनीतिक कैरियर को धूमिल करने का मिथ्या प्रयास किया गया है, लेकिन बहुत जल्द उन सभी विरोधियों का खुलासा नाम सहित किया जाएगा ताकि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस बाबत कॉल डिटेल्स निकलवाई जा रही हैं। स्थानीय प्रीतिगृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक ने आक्रामक रुख इख्तियार करते हुए इस प्रकार की राजनीति को दूषित करार दिया है और कहा है कि सरकार के बदलने के बाद ही उन्होंने डीजीपी हिमाचल प्रदेश को बकायदा एक पत्र लिखकर अवगत करवा दिया था कि इस प्रकार की ओछी हरकत उनके विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पहले भी इस प्रकार की कोशिशें की जा चुकी हैं ताकि बंबर ठाकुर को राजनीति से दूर किया जा सके। बंबर ठाकुर ने कहा कि वे गलत को गलत और सही को सही कहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस मामले में ये कैसे संभव है कि यदि यह युवक चर्च खरीद कर लाए थे तो इस अवैध सामग्री को छिपा कर रखते, ना कि कार के डैशबोर्ड पर सजा कर रखते। उन्होंने कहा कि जब पुलिस नाका लगाकर चेकिंग कर रही थी तो वे इस पदार्थ को फेंक सकते थे या गाड़ी भगा सकते थे, लेकिन जब इन अवरोध बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं था तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि चर्च के यही मालिक हैं। बंबर ठाकुर ने कहा कि कुल्लू से दो युवकों ने इसकी गाड़ी में लिफ्ट ली थी, संभावना है कि ये उन्हीं के कारण हुआ है। ऐसे में उन लोगों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए था तथा कड़ी पूछताछ करनी चाहिए थी ताकि पर्दे के पीछे षड्यंत्र रचने वालों के चेहरे बेनकाब हो सके। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सफल रैली में विरोधियों के खेमे में जबरदस्त बौखलाहट है, इसीलिए वे बंबर की छवि को खराब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता एवं पूर्व प्रधान के खेत में 187 अफीम के पौधों की फसल का मिलना इस बात का सबूत है कि नशे की कारोबारों को फैलाने में भाजपा के लोग ही शामिल हैं। पत्रकार वार्ता में माकड़ी पंचायत प्रधान तृप्ता देवी, मधु चंदेल, नंदलाल ठाकुर, संतोष वर्मा, जितेंद्र चंदेल, राजीव कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कौन सा खास मुद्दा हो सकता है इसमें? मेरे बेटे के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए गए थे कि वो उनकी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में भांग चर्च पकड़ी गई। मैं उसके ऊपर आज पत्रकार सम्मेलन बुलाया था। इतने दिन मैं मामले की तह तक जाने का समय लिया कि शायद सच्चाई क्या है, और मैं बेटे से मिलने भी नहीं गया। यदि उसने गलत किया तो होते, लेकिन जब तथ्य सामने आए तो उससे ऐसा लगा कि ये कोई बड़ी साजिश के तहत जो है बेटे के ऊपर वार करके मेरी राजनीति को धक्का पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उस पर मैंने कुछ तथ्य इकट्ठे किए और तब मुझे आज पत्रकार सम्मेलन बुलाना पड़ा। क्या एक गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर कोई इलीगल माल रखता है? यदि कोई शराब की बोतल भी लेता है तो अभी छुपा के अपने साथ ले जाता है, और आगे नाका लगा है, गाड़ियां खड़ी हैं और बच्चा गाड़ी चला रहा है, उसके डैशबोर्ड के ऊपर जो है मादक पदार्थ रखा हुआ है, क्या ऐसा कोई सरेआम उसको लेके चल सकता है? तो ये जो एसपी मंडी ने जो बयान दिया है वो अपने आप में जो है छुपाने वाला है। और बेटे की गलती यह है कि उसने दो बिलासपुर के नौजवानों को जो लिफ्ट दी कुल्लू से, और उसके बाद जो जैसे नाके के ऊपर गाड़ी पहुंची या फिर गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, सारे पुलिस के जवान इकट्ठे हुए गाड़ी के आसपास, बच्चों की तलाशी ली, उसके बाद कहा कि आपके गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर ये माल मिला है। तो बेटा गाड़ी चला रहा है, क्या उसके डैशबोर्ड के ऊपर वो माल भजा कुल्लू से लेके उसको मंडी तक ये मालूम नहीं पड़ा? या वो लेके आए होते तो क्या वो उसको डैशबोर्ड के ऊपर सजा के रखते? तो 15 मिनट तक जो गाड़ियों की आगे चेकिंग होती रही, उनकी गाड़ी पीछे रुकी थी, क्या उसको मतलब वो सजा के रखते वहाँ पे? ये सारी चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं कि बड़ी साजिश के तहत बिलासपुर के अंदर हमने एक रैली की, उससे बुखलाए हुए अपने और पढ़ाए लोगों ने ये बड़ी साजिश करके बच्चे को बोरा बना के मुझे, मेरी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की है। लेकिन 2-4 दिनों के अंदर हम बड़े घाग लोगों के नाम उजागर करेंगे जिन्होंने ये साजिश करी है, हमारी सच्चाई सामने आई। सर बिलासपुर के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग सच्चाई को भली भांति जानते हैं, और
किसी झूठ को झूठ के कोई सिर पैर नहीं होते, झूठ के सहारे किसी की राजनीति को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन परेशानी जरूर होती है। परेशानी मुझे देने की कोशिश की है, भगवान की आशीर्वाद से हम उससे निपट रहे और निपटेंगे, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई सामने आएगी। बिलासपुर के लोग भी इस बात को मान रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग भी इस बात को मान रहे हैं, एक नाबालिग बच्चे के डैशबोर्ड के ऊपर इस प्रकार का इलीगल मादक पदार्थ रखा गया हो और कुल्लू से लेकर के मंडी तक ये पता ही ना चले, अपने आप में ही एक्सप्लेन करने वाला वाक्य है। तो ये और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हैं, जो और लोग जो गाड़ी में जिनको लिफ्ट दी बच्चों ने, वो किस पार्टी के लोग, किसने भेजे थे? अब बच्चे की गलती ये है कि उसने बिना जाने पहचाने जो है उन लड़कों को लिफ्ट दे दी, उसने बिलासपुर को समझे तो बिलासपुर का समझ के गाड़ी में बिठा लिया। मंडी में तो पहले भी ऐसा वाक्य हुआ, आज भी वो ऐसा ही मंडी के अंदर तैनात है, जिसने एक व्यापारी की गाड़ी में एक चर्स रख दी और बाद में वो लोग परेशान हो गए, उनके भाई भाई हो गई। यदि वो लोग एजिटेशन ना करते तो वो ASI सस्पेंड ना होता। मंडी के अंदर तो ये हो रहा है सब, मंडी के अंदर जो गाड़ियां चोरी की मिली उसमें पुलिस के लोग शामिल हैं। मैंने इस मामले में, ये खतरा मुझे पहले से था, गवर्नमेंट जब बदली तो गवर्नमेंट बदलने के बाद मैंने DGP को एक पत्र लिखा है कि पुलिस के जवान और कुछ लोग जो मेरे विरोधी हैं वो मेरी और मेरे बेटे की गाड़ी में कुछ इस प्रकार का मादक पदार्थ रख सकते हैं, ताकि मैं उनके रास्ते में कांटा डालूं। अभी वीरभद्र जी की रैली यहाँ पे भी बहुत बड़ी जनसमूह उड़ के यहाँ पे आया, उसी बौखलाहट में हमारे विरोधियों ने यह काम किया है, ताकि वो अपने आप को मुझे अपने रास्ते में मुझे अपना कांटा मानते हैं आने वाले चुनाव में। इसलिए हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हमारा इरादा तो सिर्फ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की रैली को कामयाब करना था, कांग्रेस को मजबूत करना था, लेकिन ये लोग जो अपने हैं चाहे प्राय है, जो अपने रास्ते में हमें कांटा मानते हैं, इस प्रकार की घटिया हरकतें कर करके मुझे राजनीतिक तौर पर मेरी इमेज को खराब करना चाहते हैं।